हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो मेरी जो सारी वीडियो होती हैं जनरली उनसे अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। आप सब एस्पिरेंट्स अपने बीएड के करिकुलम में और डीएड के करिकुलम में पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, आप सब जानते भी हैं और जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आज हम फिर से जानेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं एक बार आप उनको रिवाइज कर पाएंगे और जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो जो क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर है वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है नॉलेजेबल होना। अगर एक शिक्षक नॉलेजेबल है तो वो बच्चों को भी अच्छे से नॉलेज दे सकता है, और अगर टीचर के अंदर ही नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या ज्ञान देगा। गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देगा। तो इसी कड़ी में एक टीचर का नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। सपोज एक टीचर है और उसका एक जो टॉपिक है वो वीक है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो पहले उस टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उस जो टॉपिक उसका कमजोर है, वीक है, उसकी नॉलेज खुद ले, अच्छे से उसको पढ़े, अपने सीनियर से कंसल्ट करे, उसके बाद बच्चों को वो टॉपिक पढ़ाए। तो एक टीचर का नॉलेजेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। सेकंड क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी ऐसी है खाली एक शिक्षक के अंदर नहीं, खाली एक टीचर के अंदर नहीं, एक जो आम इंसान है, एक जिंदगी में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, भले ही आप एक टीचर हैं या नहीं है। वो क्वालिटी है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। इफ यू डोंट हैव पेशेंस यू विल डू नॉट डू एनी वर्क इन योर लाइफ। सो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप क्लास में जाते हैं क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, शैतानियां करते हैं, शोर करते हैं, और कोई शिकायत करता है, सर इसने मेरा लंच कर लिया, ये इसने मेरी पेंसिल चुरा लिया, ये मुझे मार रहा है, ये बोल रहे हैं, तो इस तरह के बच्चे डिस्टर्बेंस करते हैं। और एक टीचर के अंदर अगर पेशेंस नहीं होगा तो वो बच्चों को क्या करेगा, बच्चों को चाटा लगा देगा। तो वो एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी नहीं है कि आप बच्चों को मारें या बच्चों के अंदर पेशेंस ना रखें। एक बच्चा जल्दी सीखता है और एक बच्चा देर से सीखता है, तो एक टीचर के अंदर ये पेशेंस होना चाहिए कि हर बच्चे की क्वालिटी, हर बच्चे का जो सीखने का तरीका है, जो हर बच्चा है अपना अलग अलग पेस से सीखता है। तो अगर शिक्षक के अंदर एक पेशेंस नहीं होगा तो वो उस चीज से इरिटेट हो जाएगा कि मैंने तो पढ़ा दिया और ये बच्चा उसको सीख नहीं पाया। तो इसलिए इन सिचुएशन से डील करने के लिए एक टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और सेम यही रियल लाइफ में आती है, ये बात रियल लाइफ में भी आती है कि अगर आप कोई सिचुएशन में कुछ काम कर रहे हैं और आपके अंदर कोई पेशेंस नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पर इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो आप जीवन में दूसरों के साथ सोशल गैदरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्वालिटी खाली एक शिक्षक के तौर पर नहीं, एक आम व्यक्ति के तौर पर आपके जीवन में आने चाहिए। थर्ड, कंपैशन, करुणा। आपके एक टीचर के मन में, एक टीचर क्या होता है, क्योंकि बच्चा कम से कम 6 से 8 घंटे स्कूल में रहता है, उसके सर पर बोझ होता है कि मैं किताबों का बोझ होता है, पढ़ाई का होमवर्क का, उसको पता नहीं होता उसके जीवन में क्या करना है। तो आपके मन में बच्चों के लिए एक करुणा भाव होना चाहिए कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चे ने पढ़ाई की मेहनत की लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपके मन में उस बच्चे के लिए करुणा भाव होना चाहिए कि बच्चे ने मेहनत एटलीस्ट कम से कम मेहनत तो की, बच्चे ने कुछ मेहनत तो की। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हर बच्चा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो बच्चे शरारती भी हैं उनके लिए भी आपके मन में कंपैशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बच्चे शरारती हैं उनके लिए आपके मन में कंपैशन ना हो आपको, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको सब, आपके लिए सारे बच्चे एक समान है, वेदर वो किसी भी कास्ट से है, किसी रिलीजन से है, किसी भी रेस से है, आप बच्चों में बिल्कुल भी इनइक्वलिटी नहीं कर सकते या आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। तो आपके एक शिक्षक के रूप में आपके मन में हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के लिए कंपैशन होना बहुत जरूरी है। अगली क्वालिटी आती है कल्चरल अवेयरनेस। ये क्वालिटी का मतलब है आपको, क्योंकि स्कूल क्या है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर
अलग अलग धर्मों के बच्चे, अलग अलग रिलीजन के बच्चे, अलग अलग कास्ट रेस या अलग अलग भेद के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, हर एक तरह का बच्चा होता है, उसमें कुछ स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं, तो अलग अलग तरह के बच्चे एक जगह पढ़ते हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे, तो आपको हर एक कल्चर की अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को ऐसे ना लगे कि मैं एक अनजान जगह पर हूं, उनको स्कूल में आकर ऐसा ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव हुआ या मेरे कल्चर को कम वैल्यू दी जाती है या मेरे कल्चर के साथ मेरे कल्चर के साथ हीन भावना का प्रयोग किया, हीन भाव रखा जाता है। तो इसलिए एक टीचर के मन में हर एक रिलीजन के लिए, हर एक रेस के लिए, हर एक कास्ट के लिए सम्मान होना चाहिए। भले ही आपके जो आपके खुद के व्यूज है वो अच्छी बात है, आपके जो पर्सनल व्यूज है वो रखिए आप, लेकिन स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलो करनी पड़ती है, आपको हर धर्म का सम्मान करना पड़ता है, हर धर्म की, हर रिलीजन की, हर कास्ट की जो मान्यता है उनको एक साथ लाना पड़ता है, तब जब बच्चों को पढ़ा पाते हैं, क्योंकि स्कूल ही ऐसी जगह है जहां पर सब धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। आपके पर्सनल व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, उसमें वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। एक शिक्षक की अगली क्वालिटी जो है, जो हम डिस्कस करेंगे, वो है बी अ गाइड मेंटर या कोच। ये तीनों चीजें एक ही में आ जाती हैं। आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। बच्चा कोई गलती करता है तो आपको यह नहीं कि बच्चों को एकदम से थप्पड़ लगा दें या उसको चाड़ा लगा दें। बच्चे ने गलती क्यों की, किस सिचुएशन में बच्चे ने यह गलती की, कारण क्या था, उसमें आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे से बात कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चा घर पर शेयर नहीं कर सकता, वो आप शेयर कर सकता है। लेकिन कब शेयर करेगा, जब आप उसको एज अ मेंटर गाइड करेंगे, जब आप उसके गाइड बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक बैलेंस रखना होता है, आपको बच्चों का दोस्त भी नहीं बनना है और दुश्मन भी नहीं बनना है, बैलेंस रखकर चलना है कि आप बच्चों के इतने दोस्त भी ना बने कि बिल्कुल एकदम बच्चा आपकी कोई बात ही ना सुने, एज अ फ्रेंड आपको एज अ फ्रेंड ले, तो उसके लिए आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है ताकि आप बच्चों के जो समस्या है उनको दूर कर सके, बच्चों को एक मेंटर कर सके। क्यों, क्योंकि बच्चे बहुत समय स्कूल में गुजारते हैं, लगभग अपने दिन का 6 से 8 घंटे वो स्कूल में गुजारते हैं, तो इसलिए अगर वो स्कूल में कुछ गलती करते हैं, कुछ उनके जीवन में समस्या आती है, तो एक टीचर एज ए टीचर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चों को एज ए मेंटर हेल्प करें। जो बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं उनको जो स्कूल में कोच होते हैं वो बच्चों उनको कोचिंग दें। तो ये कुछ क्वालिटीज एक टीचर की थी, लेकिन ये इन सब क्वालिटीज के बाद भी एक ऐसी क्वालिटी है टीचर की जो अगर वो क्वालिटी ना हो तो ये क्वालिटी सारी बेकार है। वो 6 क्वालिटी है डेडिकेशन। अगर एक शिक्षक के अंदर, एक टीचर के अंदर डेडिकेशन ही नहीं है, तो चाहे उसको कितनी नॉलेज है, कितना पेशेंस है, कितनी कंपैशन उसके अंदर हो, अगर टीचर के अंदर डेडिकेशन ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, कुछ सिखाने का, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको कितना भी कल्चरल अवेयरनेस हो, कितना अच्छा वो गाइड हो, लेकिन अगर डेडिकेशन नहीं है कुछ करने का, तो वो शिक्षक एक छात्र के जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकता, एक शिष्य के जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो इन सब क्वालिटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, वो है डेडिकेशन। शिक्षक के अंदर डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। डेडिकेशन एक ऐसी क्वालिटी है जो ना कि एक शिक्षक के अंदर बल्कि एक आम इंसान के अंदर भी होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। आप लक्ष्य बनाएंगे, लक्ष्य के लिए डेडिकेशन नहीं होगा तो लक्ष्य के लिए भी आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें, ये सब थी कुछ क्वालिटीज, खाली जरूरी नहीं कि यही टीचर की क्वालिटी होती है। एक टीचर की इतनी क्वालिटीज होती है ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, मैं लिखता रहूंगा, कम से कम एक एक शब्द में उनको एक एक शब्द बताना क्वालिटीज ऑफ अ टीचर मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जस्ट एक कुछ क्वालिटीज जो हम जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं, सिर्फ वो क्वालिटीज मैंने यहाँ लिखी है। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है, अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या है वीडियो का। आप सब टीचर हैं, आप सबके कंधों पर एक भार है। आप सबको क्या कहते हैं, टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। तो आप सबके ऊपर एक भार है कि आपको ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो आगे जाकर हमारे देश को संभालेंगे। तो इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी, और किसी को मेरी वीडियो में कुछ कमेंट करना है तो वो कमेंट कर सकते हैं।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो में और भी बनाता रहूंगा। और जो केवीएस पेरेंट्स हैं, उम्मीद करता हूँ वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।